मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडिया गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना, हिट हो जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अब घर परिवार तो दूर की बात, खुद के लिए भी समय निकाल पाना मुश्किल हो गया है। भागदौड़ भरे इस जीवन में अक्सर व्यक्ति खुद को लगने वाली छोटी मोटी चोट पर कभी ध्यान नहीं देता और अक्सर कई बार ये छोटी मोटी चोटें कुछ समय बाद बड़ी पीड़ा देने लगती हैं, जिससे व्यक्ति को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी किसी पुरानी चोट से परेशान हैं और आपको दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आज हम आपको इसके उपाय के बारे में बताने वाले हैं। कई लोगों के शरीर की हड्डी किसी कारण से फ्रैक्चर हो जाती है, इसके जुड़ने के बाद भी ज्यादा सर्दी या गर्मी के दिनों में चमक और पीड़ा होने लगती है। कई बार इसकी पीड़ा सामान्य दिनों में भी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम फ्रैक्चर के बावजूद भी शरीर को आराम नहीं देते हैं, जिसके चलते शरीर के सभी मसल्स ठीक तरह से नहीं जुड़ते। ऐसी स्थिति में भी घरेलू उपचार बेहद कारगर और आरामदेह सिद्ध होता है। शहद और चूने से पाए असहनीय दर्द से छुटकारा। शहद और खाने वाले चूने का इस्तेमाल कर आप चोट और दर्द से राहत पा सकते हैं। इसके लिए आपको पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा सा शहद और उसका 25% हिस्सा चूना मिलाकर लगाएं। शरीर के ग्रस्त अंग पर लगने के बाद यह आपको थोड़ा गर्म लगेगा। साथ ही चूने में मौजूद कैल्शियम के कारण मिश्रण लगाए जाने वाले स्थान की स्किन ड्राई भी हो सकती है, लेकिन इससे घबराएं नहीं। इससे आपके चोट में गर्म तासीर जा रही है, जिससे आसानी से आपको समस्या से निजात मिल सकती है। हल्दी और प्याज का मिश्रण दिलाएगा दर्द से निजात। आप हल्दी और प्याज से भी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। हल्दी के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आपके पैर और हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो गया हो, लेकिन सूजन और दर्द काफी समय बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो आप हल्दी और प्याज को एक साथ कूट कर सरसों के तेल में डालकर गर्म कर लें। इसके बाद इस गुनगुने मिश्रण को चोटिल स्थान पर बांध लें। इस प्रक्रिया को रात को सोने से पहले करें और रात भर इसे बंधा रहने दें। सुबह तक दर्द में काफी आराम मिलेगा, लेकिन याद रहे ऐसी स्थिति में आराम करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।